हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति किचन। आज मैं आप सबके साथ एक रिव्यू करूंगी, क्या ना कौन, मैं एक पार्सल लाई हूँ वो भी मीशो से। मैं आप लोग के साथ उसकी ये जो प्रोडक्ट है, ये जो व्हील है, ये आजकल बहुत चल रहा है, बहुत वायरल है। इससे हम हर कोई ऐसा चीज़ जो हम इसे खींच नहीं सकते, बहुत भारी है, इसे लगा लेंगे तो उसे आसानी से हम इधर उधर कर सकते हैं, जैसे कि बेड में, डाइनिंग टेबल में, किसी भी चीज़ में। तो मैंने भी इसे मंगवा ली और ये मुझे 132 बड़ा, मैं काट देती हूँ, आपको दिखाती हूँ। चार पीस है इसमें, ठीक है, आपको आपके घर में जितने भी भारी चीज है आप इधर उधर नहीं कर सकते, तो इसको लगाकर आप इसे कर सकते हो। तो देखेंगे कैसे होता है ये। यहाँ पर उन लोगों ने दिखाया भी है, ठीक है, कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। तो ये जो हुई है, ये है चार पीस, ये एक है चार पीस, और इसके लिए स्टिकर दिया है उन्होंने, ठीक है, दोनों साइड इसका प्लास्टिक लगा है। तो इसे हम निकालेंगे एक साइड और निकाल के इसमें लगा लेंगे, और दूसरी साइड वहाँ लगाएंगे जहाँ पर हमें लगाना है। तो इसे मैंने मंगवाया अपनी मशीन के लिए, सिलाई मशीन के लिए जो मेरे स्टोर रूम में है, और वो स्टोर रूम में इसीलिए है क्योंकि मैं इसे हिला नहीं सकती, कहीं बाहर नहीं ला सकती, और स्टोर रूम में इतनी लाइट नहीं है कि मैं उसमें कुछ भी जाकर सिल सकूँ। तो इसीलिए मैं वहाँ से बाहर करना चाहती हूँ। तो देखते हैं मेरी मशीन को ये वहाँ से लेके आती है या नहीं। और उसमें भी हुई है, लेकिन वो इतना चलता नहीं है। जिनके पास वो पुराने वाले सिलाई मशीन होगी उन लोगों को पता होगा, वो बहुत भारी होता है, उसे खींचने में ना पूरी ताकत लग जाती है, तो मैं नहीं ला पाती। तो इसीलिए वो मेरे घर में स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। अब अगर इसमें वो आ जाएगा तो मैं बाहर लेके आऊँगी और मैं सिलाई भी कर पाऊँगी। तो चलिए हम देखते हैं कि वहाँ लग पाती है नहीं। तो इससे मुझे चार स्टिकर दिया है, ठीक है, चार स्टिकर दिया है, और दोनों साइड में प्लास्टिक लगी है, हम लगाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे और मशीन में इसे लगाते हैं। अच्छा, ये है मेरा मशीन और ये स्टोर रूम में अभी है, तो मैं इसे लगाऊंगी। तो चलो लगाते हैं। एक साइड का स्टिकर हटा दिया और जो प्लास्टिक था, और इसे यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो चारों में ऐसे ही लगा लेते हैं पहले, उसके बाद हम नीचे जाएंगे मशीन में लगाने के लिए और अच्छे से देखेंगे। और उसमें लिखा है कि 8 kg की जो चीज़ होता है उसमें लगाने के लिए। तो अगर भारी चीज़, ज़्यादा भारी चीज़ में लगाना है तो प्रोडक्ट और भी है इसी टाइप के, आप वहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। तो 8 kg वाला जो भी सामान है आपका, ये मंगवा लेना, ठीक है। तो मैंने चारों से हटा दिया है और स्टिकर मैंने लगा लिया है, अब इसे नीचे लगाएंगे। अब ये देखो मेरा लाइट भी, मतलब यहाँ तो कम लाइट था, ऊपर से लाइन भी कट गया, करंट चला गया, पता नहीं कब आएगा। फिर भी हमें इसी में ही शूट कर लेते हैं, आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो चलो नीचे हम लगाते हैं।
अब इसको जो दूसरे साइड के जो प्लास्टिक है इसे निकाल देती हूँ। और निकल चुका है ये दूसरी साइड के प्लास्टिक, तो इसे निकालते हैं और देखती हूँ इसे हटक। अच्छा, मैं इसे अपने बेटे की हेल्प लेती हूँ, वो कैमरा पकड़ के बैठा है। अभी मैं बंद करती हूँ और इसे लगा कर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा काम नहीं आया, मशीन में लगा ही नहीं, क्योंकि मशीन की जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें भी हुईल दिया हुआ है और वो फ्लैट नहीं है, तो ये फ्लैट चीज़ में ही लगेगी। जैसे कि आप अपने डाइनिंग टेबल की चेयर के नीचे भी लगा सकते हो, तो वहाँ लगेगी। मैंने तो मशीन के लिए मंगवाई थी और सोचा भी नहीं था कि वहाँ लगेगी या नहीं, नहीं लगा, और इसीलिए मेरा तो ये ख़राब हो गया, वेस्ट हो गया मेरा जो चीज़ है। फिर भी मैं रिटर्न नहीं करूँगी, रखूँगी, शायद किसी और चीज़ में काम आ जाए। तो आप लोग कौन सी चीज़ में आप लगाते हो वो पहले सोच लेना। मैंने सोचा नहीं, इसे देखा हर कोई मतलब दिखा रहा है, तो मैंने इसे मंगवा ली। काम आएगा, क्योंकि इसकी होल तो अच्छे से काम कर रहा है, पर मेरे मशीन में नहीं आया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, और लगा भी नहीं मेरे अच्छे से, तो हाँ मैं थोड़ी सी दुखी हूँ। तो चलो, अगर आप लोग इसे मंगवाना चाहते हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और प्लास्टिक है, तो आप देख लेना रिव्यू पहले कितनी केजी की जो सामान है उसके नीचे लगाना है, तो पहले वो देखना, उसके बाद इसे ऑर्डर करना। तो ठीक है, ये मेरा काम नहीं आया और प्रोडक्ट का जो है वो अच्छा है, ये नहीं कहूँगी बुरा है, पर मेरी चीज़ में कोई काम नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की ये रिव्यू की वीडियो, मेरी पहली है शायद, और वो भी ऐसा निकला। तो अगर कोई भी चीज़ में इसे लगाना है तो उसके नीचे वाला जो चीज़ है हिस्सा है वो फ्लैट होना चाहिए, ठीक है, तो काम आएगा अच्छे से। तो ठीक है, तो आज की ये वीडियो में एंड करती हूँ और इसे सोचती हूँ कहाँ पे यूज करूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय।